सोलन के अस्पताल रोड पर सिविल सप्लाई राशन का डिपो पिछले 29 वर्षों से सराहनीय सेवाएं दे रहा है, जिससे आसपास क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपना राशन लेने आते रहे हैं और किसी भी ग्राहक को कभी भी इस डिपो से कोई शिकायत नहीं हुई है। लेकिन ना जाने क्यों अब सिविल सप्लाई इस राशन के डिपो को बंद करने का प्रयास कर रहा है। ये बात शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने मीडिया के समक्ष दी। उन्होंने कहा कि भारत में भाजपा सरकार लगातार सरकारी उपकरणों को निजी हाथों में बेच रही है। अब लगता है कि सिविल सप्लाई के राशन के डिपो भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। सोलन शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि सिविल सप्लाई का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाना है, न कि लाभ कमाना। लेकिन अब सिविल सप्लाई सोलन का एकमात्र सरकारी राशन का डिपो इसलिए बंद करने जा रही है क्योंकि उनका तर्क है कि ये डिपो घाटे में चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस सरकारी उपकरण में बाजार से कम मूल्य का राशन दिया जाएगा वो डिपो कभी भी लाभ में नहीं हो सकता, वे जनता के कल्याण के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन सिविल सप्लाई लगता है सरकार के इशारों पर इसे बंद करने जा रही है, शायद वह किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये डिपो यहाँ से बंद होता है तो इसका निर्णय लेने से आसपास के क्षेत्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सिविल सप्लाई को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग भी की। देखिए, हमें सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि सोलन का जो एकमात्र सिविल सप्लाई द्वारा चलाया जाने वाला डिपो, जो कि हॉस्पिटल रोड पर स्थित है और जो लगभग पिछले 20 सालों से यहाँ पर 4,500 लोगों की आबादी की सेवा कर रहा है, 1200 से 1500 राशन कार्ड जो है वहाँ पर रजिस्टर्ड है और आज तक कोई भी कंप्लेंट जो है उसकी नहीं हुई है, उसे हमें सूत्रों से पता चला है कि उसे बंद करने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है और जल्द ही उसे जो है किन्हीं प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। मेरा मानना ये है कि आप ये बात समझिए कि जो सिविल सप्लाई अपने आप सोलन का एकमात्र डिपो चला रही है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी जब कोई कंप्लेंट नहीं है, लोगों को वहाँ सुविधा मिलती है, बिल्कुल सड़क के साथ है, 4 वार्ड 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर और 15 नंबर वार्ड के लोग वहाँ से प्रभावित रहते हैं, वहाँ से सम्मान लेते हैं, तो आप सभी को जो है असुविधा क्यों करने पे तुले हुए हैं। मेरा खाद्य आपूर्ति मंत्री से भी निवेदन रहेगा कि मंत्री जी, आप सोलन के लोगों की भावनाओं को समझें और उनके हक के लिए आप इस जो सिविल सप्लाई द्वारा चलाए जाने वाला सोलन का ये जो डिपो है इसे बंद ना करें, इससे लोगों को भारी असुविधा होगी। आप इसका प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, आप प्राइवेट दुकानों को देने जा रहे हैं, हो सकता है लेने वाले की दुकान सीढ़ियां चढ़कर हो सकता है अंदर हो, ये हिमाचली और हिमाचल का क्षेत्र है जहां पर इतना खुला स्पेस मिलना लगभग नामुमकिन सा रहता है, जितना अच्छा स्पेस मिला हुआ है ये बहुत अच्छा है और इसे जनहित को देखते हुए हम अपने माननीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जी से भी निवेदन करेंगे कि कृपया वे जो इसे मंत्री जी से बात करें और इसको जो है सोलन के जनता के हक में यहाँ से ना हटने दें। देखिए, हम बार बार कहते हैं जब कभी नगर परिषद की भी बात आती है और नगर परिषद जैसे पार्किंगों के टेंडर लोगों को महंगे करते हैं, बोलियाँ करते हैं, उससे क्या होता है कि महंगे दामों पर जो है पार्किंग जाती है और जो ठेकेदार होते हैं निश्चित तौर पर उन्हें भी अपना पैसा भी पूरा करना है, लाभ कमाना है और वो भी जो है सोलन की जनता के ऊपर सारा भार पड़ता है। उसी तरीके से हम कहना चाहता हूँ कि नगर परिषद को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा नहीं देना चाहिए था जिससे आमजन को सुविधा रहे। उसी तरह से ये डिपो है, ये अगर आपने सरकारी डिपो खोले हैं और सरकार इसे चला रही है, आप यहाँ पर पीडीएस के ऊपर यहाँ पे दालें और आटा चावल दे रहे हैं, इसमें भी अगर आप कमाई ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ये लोगों की सुविधा खोलने के लिए डिपो खुला है, ना कि कोई प्रॉफिट कमाने के लिए।